जल्द ही जग्गू की लालटेन हर घर में लोगों के चेहरे पर स्माइल की लालटेन से जला देगा। ये कहना हमारा नहीं बल्कि इस फिल्म के एक्टर नीरज गुप्ता का है। जी हाँ, हाल ही में अभिनेता नीरज गुप्ता और रघुवीर यादव की आने वाली फिल्म जग्गू की लालटेन का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसने आते ही धूम मचा दी है और बलमा गाना तो सोशल मीडिया पर अपना जलवा अभी तक बिखेरे हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी के जीवन पर बनी जग्गू की लालटेन इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब भा रहा है। जाने माने एक्टर रघुवीर यादव के इर्द गिर्द घूमती इस मूवी को लोगों का प्यार मिलने की पूरी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक पारिवारिक फिल्म और मनोरंजन से भरपूर फिल्म है। इसका ट्रेलर देखकर ही इस फिल्म का अंदाजा लगाया जा सकता है जग्गू की लालटेन से कैसे सबके सपने साकार होते हैं और समाज के उस निचले तबके को दिखाया गया है जो पैसों की तंगी के कारण अक्सर परेशान नजर आते हैं। जग्गू की लालटेन एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जग्गू यानी रघुवीर यादव, जिनके पास एक पुश्तैनी लालटेन उनके दादा परदादा के जमाने की है, आर्थिक तंगी के कारण जग्गू का परिवार मार मारा फिरता है। उस लालटेन को खरीदने के लिए एक सेठ हीरालाल यानी एक्टर नीरज गुप्ता आते हैं और उस लालटेन को महंगे दामों में खरीदने की बात करते हैं, लेकिन जग्गू उस लालटेन को नहीं बेचता। क्या वो जग्गू की लालटेन सबकी किस्मत बदल देगी? इसका जवाब फिल्म जग्गू की लालटेन में देखने के बाद ही मिलेगा। यह फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर श्री हंस आर्ट एंड क्रिएशन के बैनर तले स्पीडवेल आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 63 के ऑफिस में लॉन्च किया गया। यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक विपिन कपूर ने कहा कि ये उनकी पहली फिल्म है और ये उन्होंने पूरे दिल से बनाई है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म हर किसी के दिलों पर राज करेगी। वहीं एक्टर नीरज गुप्ता का कहना है कि ये फिल्म ना सिर्फ एक अच्छा संदेश देती है बल्कि एक अच्छे कंटेंट के दम पर बॉलीवुड में अलग छाप छोड़ देगी। फिल्म की प्रोड्यूसर प्रीति गुप्ता, कलाकार रघुवीर यादव, आकृति भारती रॉकी, सलीम जैदी, वीरेंद्र डॉग, रामवीर आर्यन, सुधीर राठी, राजगोपाल अय्यर, आरजे रॉकी आदि कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। 14 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है जग्गू की लालटेन। ये एक फैमिली मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को इसको बायकॉट करने की जरूरत पड़े। इसमें बहुत कुछ अच्छे मैसेजेस और अच्छा एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सिनेमा हॉल में आए और हमारी फिल्म देख के हमें आशीर्वाद दें अपना और इसी प्रकार प्यार बनाए रखें। इतना बहुत साधारण इंसान है मगर बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से कर्जों में दब गया है, कर्जे में और परेशानियों में दबा हुआ है। उसकी इनकम बहुत कम है, इनकम से ज्यादा उस पर कई गुना ज्यादा उस पर कर्जा है और उसके पास एक पुरानी लालटेन है जिससे वो बड़ा प्रेम बहुत प्रेम करता है, जो उसके बाप दादाओं की निशानी उसके पास रखी है। किन्हीं सरकमस्टेंसेस किसी वजह से ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि एक कबाड़ी सेठ है जिसका नाम हरिलाल है, वो बाई चांस उसकी दुकान पे आ जाता है, उससे मिल लेता है अचानक और उसे पता नहीं क्या होता है, क्या सोचता है कि उसके कबाड़े की एक पुरानी सी लालटेन को वो बहुत ऊंची कीमत पर उससे खरीद लेता है, उसकी लाइफ चेंज कर जाता है। वो जो हरिलाल वो ऐसा व्यक्ति है, वो एक रुपया फालतू खर्च नहीं कर सकता कभी जीवन में, बहुत महाकंजूस और बड़ा सनकी टाइप का वो कैरेक्टर है हरिलाल। रघुवीर सर के साथ जी आपका पहला डेब्यू है, कितनी आपको लगा कि किस तरीके से करना, क्योंकि एक मजे हुए कलाकार है और आप पहला डेब्यू दे रहे हैं। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला रघुवीर सर से और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मेरा पहला डेब्यू इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ हुआ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। पूरी टीम की बात करें सर, क्योंकि लालटेन, जग्गू की लालटेन तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स लालटेन की ही कोई कहानी होगी, बट वो सिर्फ लालटेन तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे एक परिवार है उसके साथ जुड़ा हुआ और हर एक मिडिल फैमिली के साथ एक चैलेंजेस होते हैं, वो कैसे उस प्रॉब्लम से जूझते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, मैंने उसको फिल्म में डालने की कोशिश करी है और एक हैप्पी एंडिंग करने की ट्राई करी है कि क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, हमने क्या क्या फेस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट जग्गू की लालटेन। आपने चाय वाले की कहानी इसमें रखी है कि किस तरीके से लालटेन अपनी चीज छोड़ता है और लालटेन को देखता नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां से ये इंटरेस्ट आया, कहां से आपने सोचा, कहां से माइंड में चला? सर जब राइटर कोई मतलब ख्याल लिखने पे आता है तो वो कोशिश करता है कि
इट शुड बी ओरिजिनल एंड समथिंग न्यू। तो लालटेन मुझे अपने आप में नया कॉन्सेप्ट लगा और मुझे लगा कि इसके आसपास एक ऐसी कहानी पिरोई जा सकती है जो शायद एक अपने आप में लोगों के लिए सीखने को समझने को अच्छा मिले, तो इसलिए मैंने उस चीज को अडेप्ट किया। सर अब ये मूवी आ रही है किस किस प्लेटफॉर्म पर? सर 14 तारीख को भी थिएटर्स में आ रही है, अभी हम ओटीटी से टच में है, इन पाइपलाइन देखते हैं कौन लेता है, पर 14 अक्टूबर को मेरी फिल्म जग्गू की लालटेन सिनेमा हॉल्स में रिलीज होगी। एक्चुअली उनका शूट चल रहा है तो वो आ नहीं पाए हैं, तो जेनिथ से मैं और नम्रता ही आए हैं, एंड थैंक्स फॉर हिम, ही इज अ वेरी स्वीट गाय। मैं तो इतना कहूंगी कि आप लोग प्लीज मूवी देखने जरूर जाए थिएटर में, और सीक्रेट्स वही है सारे। तो वहाँ मूवी देखकर आपको पता लग जाएगा कि मूवी की सीक्रेट्स क्या है। हेलो टू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा कैरेक्टर इसमें दुर्गा का है जो कि काफी एरोगेंट है, और रघुवीर सर की वाइफ का रोल किया है। जग्गू की लालटेन मूवी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि हमारी स्टोरी का कंटेंट बहुत अच्छा है, एंड यू रियली लव इट। कमर्शियल मूवी नहीं बोल सकती मैं, पर आपको स्टोरी पसंद आएगी। 14th ऑफ अक्टूबर को प्लीज गो टू योर नियरेस्ट थिएटर एंड प्लीज डू वॉच, प्लीज लाइक, हमने बहुत मेहनत करी है इसमें, आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। जी 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 सर, सबसे पहले तो मैंने अपना बॉडी कलर टोन सेक्रीफाइस किया, मैं 2-3 टोन से डाउन हूँ अपने कलर से, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि मेरा इसमें काफी एरोगेंट एंड काफी लड़ाकू किरदार है मेरा, जो कि उनकी वाइफ है वो काफी लड़ती है, काफी एरोगेंट है, काफी मतलब हमेशा गुस्से में रहती है, टेंशन में रहती है। उसके पीछे रीजन भी है कि जैसे लाइफस्टाइल उसकी है, जैसे रोज के स्ट्रगल्स हैं, उसकी वजह से ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी केमिस्ट्री नहीं है।